नमस्कार दोस्तों, सच्ची जानकारी न्यू ऑल टिप्स इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आज का टॉपिक है पानी में टीडीएस क्या है, टीडीएस का मतलब आखिर होता क्या है। दोस्तों, इस समय बहुत से मित्रों का कमेंट्स आ रहा है कि पानी में इतना टीडीएस है, इतना टीडीएस है, क्या उपाय करें। दोस्तों, सबसे जरूरी है पहले इस बात को समझना कि आखिर टीडीएस है क्या, टीडीएस से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कितना मात्रा में होना चाहिए। इन सबों की जानकारी हम लोगों के पास रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यही है कि टीडीएस क्या है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बगल में ही एक घंटी नुमा निशान है, जिसे एक बार जरूर क्लिक कर दें ताकि इससे जुड़ी जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं आप लोगों के बीच में, उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, जानकारी आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, आइए अब मैं मुद्दे पर आता हूँ और आपको बताता हूँ कि आखिर टीडीएस है क्या। सबसे ज़रूरी है पहले इस बात को समझना कि टीडीएस क्या है, पानी में टीडीएस का मात्रा कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इस चीज़ की जानकारी हम लोगों के पास रहना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आज का जो विषय है यही है। टीडीएस का मतलब है कुल घुलित ठोस से, मतलब टीडीएस का मतलब कुल घुलित ठोस से है। पानी में मिट्टी में उपस्थित खनिज घुले रहते हैं, भूमिगत जल में ये छन जाते हैं। सतह पर के पानी में खनिज उस मिट्टी में रहते हैं जिस पर पानी का प्रवाह होता है, जैसे में नदी की धारा, या जहां पानी ठहरा रहता है जैसे में झील, तालाब, जलाशय इत्यादि। पानी में घुले खनिज को आमतौर पर कुल घुलित ठोस यानी टीडीएस कहा जाता है। पानी में टीडीएस की मात्रा को हम लोग मिलीग्राम, लीटर या प्रति मिलियन टुकड़े से माप सकते हैं। उपस्थित खनिज मूलतः कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के विभिन्न अवयव होते हैं। पानी में खारापन का कारण कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण खारा होता है। पानी में कम मात्रा के बावजूद कुछ घुले हुए ठोस पदार्थ काफ़ी खतरनाक होते हैं, मतलब आर्सेनिक, फ्लोराइड और नाइट्रेट। पानी में इन पदार्थों की स्वीकृति स्तर के कुछ तय मानक हैं, मगर फ्लोराइड के सुरक्षित मात्रा के बारे में अभी तक कुछ असहमति है। कुछ लोगों का मानना है कि इतना होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है इतना होना चाहिए, मतलब एक मत नहीं है अभी। फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे नुकसानदायक रसायनों को छोड़ दिया जाए तो पीने के पानी में कुछ मात्रा में खनिज यानी टीडीएस रहना जरूरी है, मगर इसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा रहने पर काफ़ी नुकसानदायक भी है। दोस्तों, अभी के समय में तो टीडीएस मापने की मीटर भी आ चुकी है बाज़ार में, जिसे टीडीएस मीटर लोग कहते हैं, और ये बाज़ार में बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध है। ज़्यादा इसमें लागत भी नहीं लगता है, 2000 के आसपास में मिल जाता है। और भी बहुत सारे उपाय हैं टीडीएस मापने के, जैसे कि आपके एरिया में, आपके ज़िला में पीएचईडी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो कि भारत सरकार का एक विभाग है, आप पानी का सैंपल ले जा करके वहाँ जांच करवा सकते हैं और ये पीएचडी में बिल्कुल मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। पीएचडी का मतलब होता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो कि हर जिले में उपलब्ध है। जो पानी का सप्लाई सरकार के माध्यम से पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है वही पीएचडी विभाग है। एमसीएलजी के द्वारा टीडीएस की सीमा तय नहीं की गई है कि कितना टीडीएस होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, मगर विशेषज्ञों के अनुसार 80 मिलीग्राम लीटर के कम स्तर वाले पानी आमतौर पर उपयोग के लिए ठीक नहीं समझा जाता है।
शायद यही वजह है कि कुछ लोगों का मानना है कि आरओ का पानी सही नहीं होता है। दोस्तों, अलग अलग पानी का अलग अलग टीडीएस होता है, अलग अलग स्वाद होता है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। आप उदाहरण के तौर पे आप मान लिया कि आप रहते हैं वाराणसी में, आप चले जाते हैं वहाँ से लखनऊ, तो वहाँ के पानी में अंतर हो जाता है। या वाराणसी में ही है किसी क्षेत्र में, आप यहाँ से किसी दूसरे एरिया में चले गए, किसी दूसरे मोहल्ले में चले गए, वहाँ का पानी का स्वाद कुछ अलग हो जाता है, आपके यहाँ के पानी का स्वाद कुछ अलग हो जाता है। वो स्वाद जो है वही टीडीएस है, जो स्वाद है वही टीडीएस है। टीडीएस जो है वो उपस्थित जो पानी, जो भी आपका पानी है उसमें उपस्थित खनिज कितनी मात्रा में घुले हुए हैं इसका वो विवरण देता है, उसका वो आकलन करता है कितना मात्रा में क्या है, उस चीज का जानकारी देता है। हमें कहीं का पानी अच्छा लगता है, कहीं का पानी अच्छा नहीं लगता है, वजह यही है टीडीएस का अंतर होना। आप घर में भी इस तरीके से भी पानी का जांच कर सकते हैं। अगर आप रात के समय में या दिन के समय में कभी भी एक जग पानी को भर के रख लें, एक जग में पानी को भर के रख लें, आप 24 घंटे के बाद देखेंगे कि उस जग का जो पानी है, उस पानी का जो कलर है 24 घंटे के बाद वो बदला हुआ नजर आएगा। इसका मतलब स्पष्ट रूप से ये है कि इस पानी में खनिज की उपस्थिति बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जिन लोगों के पास मीटर उपलब्ध नहीं है, टीडीएस मीटर उपलब्ध नहीं है, वो पीएचईडी में जा करके पानी की जांच करवा लें। चूँकि टीडीएस की मात्रा, उसमें जो खनिज की मात्रा है वो कितना है, कितना होना चाहिए, उसका क्या उपाय है, अभी तो पीएचईडी विभाग के द्वारा जिस पानी में टीडीएस का मात्रा ज़्यादा होता है उसके लिए बहुत सारा सॉल्यूशन वहाँ दिया गया है, वहाँ बहुत सारा सॉल्यूशन बताया गया है, उसका वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से उसका उपाय भी निकाला जाता है कि कैसे आप इसका उपयोग करें, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, वास्तविक में पानी ही जीवन का मूल आधार है, इसे स्वच्छ रहना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसमें लापरवाही ना बरतें और अपने नज़दीकी पीएचईडी विभाग से या आपके पास टीडीएस मीटर है तो उसके द्वारा माप लें, मापने के बाद उसका कोई सोल्यूशन निकाल करके उसका उपाय निकालें। अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित रहूँगा आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।